गया मिमी, अब भी कहते तो जड़ा चढ़ रहा। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, आज बड़ी नमस्ते आज आज तो हमने पूरी जिंदगी में नमस्ते कही ना अपने बाप तक। क्यों ए पापा जी हमारे नमस्ते कर रहे हैं क्योंकि आज फीस चाहिए ट्यूशन की। हैं चलो बोलते यार फीस देंगे ना। ओ पापा जी मजाक कर रहे हैं, मजाक मजाक क्या है तुम्हें। अच्छा नो गए ना है ना भाई, मजाक कर रहे ना। अच्छा मजाक को मत हाई साले लगो तो मजाक करो मोज। जब खुद मजाक करो मतलब अपना मजाक मजाक हो, हमारा मजाक मजाक ना हो। पापा जी मास्टर फीस को कह रहा हो, बताओ कैसे करनी है। मैं जो कह रहा हूँ आ सुन, बात करवा दे मेरे फोन पर, जा बात करवा दे, बात करो। पापा जी बात कब तक करवावे, मास्टर भी थक गए बात करते करते। मैं हूँ मैं बात करवा दी फोन पे, चलो करवा देंगे बात, हमारा कहाँ जा रहा हो। ठीक पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। ए गुरुजी मान जाओ इन बातन में कुछ ना धरो, बस सारी जिंदगी नहीं जाएगी। कई बार कह रहा कि तुम तो नीचे किराए पर कहीं कमरा ले लो, किराए पर लो तो अपने घर में नीचे पढ़ा दो, यो चौथी मंजिल पर पढ़ाओ, इतना तो यो मर ले, हमारा दिमाग फिर चलता ना, सारी जो हम रोटी खा का वही वहीं निकल जावे चलते चलते। इनसे होना गुरु जी हम बहुत ही फीस दे रहे हो ना तुम दोनों ना बहुत ही फीस दे रहे हो, सही बोल रहे हो तुम। अच्छा तुमको नीचे पढ़ाऊं है, सब परिवार के लोग उधर पढ़ाऊं अच्छा लगेगा क्या। बस तुम वो इतना बता दो कि इतना रुपया कहाँ ले जाओगे जोड़ के हम भाई। अच्छा ये बताओ कुछ मंगवा देता हूँ ना, ठंडा है गरम कुछ बनवा दो, ठंडो का ठंडो तो ठंड तो भूल गई है, कुछ कुछ चाय बनवा लो। हाँ गरम हो जाएगी, बैठ भाई बैठ बैठ। गुरुजी वो कहा बात है, मतलब तुमने भाई दे दिया हमारा। तब ये कोई बात नहीं होती है मतलब। ए गुरुजी अच्छी बात ना, तुमने चार आदमी बेइज्जती कर दी है। क्या बोल रहे हो, बेइज्जती बेइज्जती, यहाँ पर चार लोग तो है भी नहीं, ये छोटा सा बच्चा है। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, तुम्हारी क्या बेइज्जती होगी, तुम पे टाइम पे फीस तो दी नहीं जाती। तो गुरुजी क्या फीस लेके भाग रहे हम कहीं, हम भी तो ले यही देश में रहेंगे, कहीं बाहर तो जान हो रहे। कैसी बातें करते हो तुम, तुम्हारी बस की भी नहीं है कहीं बाहर जाने की। जाने को गुरुजी हम अमेरिका चले जावे, बात हुई यार थोड़ा सा हमारा जीन लगता है, दिक्कत हो जाएगी। हाँ सही कह रही हो। क्या दासी आ रही तो भाई तुम फंस रहा हूँ। फीस की बताओ कब दोगे। ओ गुरुजी फीस का ऐसा पापा ने कही फोन पे बात कर लेंगे। हाँ हाँ तुम्हारे पापा यही बोलते हैं, फोन पे बात कर लेंगे। बैठ ए कहाँ बैठा रे बुड़वक बुड़वक का है, मान ले कुर्सी नहीं है बैठो नीचे। ए गुरुजी तो कोई बात नहीं, मतलब वो तनक सा बालक तुमने कुर्सी बैठा रखो और हम इतने बूढ़े, तब हम तो कह रहे हो कुर्सी मत बैठो। वो 400 रुपए देता है हमको, तुम देते हो 350 रुपए, वो भी तुम फीस टाइम पे नहीं देते हो। तुम्हारी तरह नहीं है वो बच्चा, वो दिल का बहुत बड़ा है, तुम तो उम्र में बहुत बड़े हो पर दिल के बहुत छोटे हो। बताऊं क्या तुमको गुरुजी, मतलब कि उम्र धरी हम लोग गुरुजी पैसा ही सब कुछ ना होता, सब कुछ पैसा नहीं होता है, ये तो बहुत बड़ा 1,00,000 रुपए की बात किया है तुमने। लाओ तो लाओ 99,300 रुपए दे दो हमारे। 99,300 रुपए तुम्हारा किस बात का हिसाब लगा लो ना गुरुजी, 350 लगा के 350 मेरे, 700 रुपए काट दो 1,00,000 रुपए में से। हाँ दे दूंगा तो फीस कटवा दूंगा, ट्यूशन में पढ़ा पढ़ा के कटवा दूंगा। ना ना सर जी ऐसा कुछ ना, फीस में कटवा दोगे ऐसा कुछ ना, हमें तो कैश चाहिए। रहने दो ठीक है ना, ये तो हमने वीडियो में बोल दिया, इसका मतलब क्या हम तुमको सही में देगा क्या, किस बात का है, ये तो सब बोलते थे डायलॉग, तो हमने भी ले दिया वीडियो में, तुम्हें दूंगा पैसा में, फीस ले आना चुप। चलो ठीक है तो बच्चों हमको आज क्या पूछना था, पूछ पर चल लो कानों में, धमक धमक पॉल्यूशन। हाँ सर हाँ जी तुम सही बोल रहे हो, उसे बोलते हैं साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। तो ये क्यों नहीं मानते सब, साउंड पॉल्यूशन इतना करते हैं हैं। ए गुरुजी कैसी बात अन्य कर रहे हो, डीजे बिना तो ब्याह सा लगता भी नो है, और तो तुम कह रहे हो डीजे को वैसे ही आ जा, 20,000 रुपए 1 DJ को है, हम भाई तले तुम बताओ टांग उठ जाएगी डीजे के बिना। तो फिर भी बेटा इससे साउंड पॉल्यूशन तो होता है ना, जो भी है।
चलो गुरुजी अभी तो कुछ है ना, पर आगे चल के मामलो ऐसा बनो ब्याह को वैसे तो तुम नु बताओ मोन के। चलो मैंने नो बुलाया डीजे वालों, और भैया और तो सब बुलाएंगे ही, ऐसा ना चलती है, सब करना पड़े फिर समझे करो गुरुजी। और मान के चलो गुरुजी हमने अपने ब्याह में डीजे वाले ना बुलवाए तो उनका पता कितना नुकसान हो जाएगा, उनके बालक भूखे मर जाएंगे, उनने बहुत खर्चे कर रखे डीजे के ऊपर। और का फिर डीजे वाले का काम बंद हो जाएगा, मिलाकर डीजे भी ना मजन हो। अरे अरे तुम कहाँ पहुँच गए है, ब्याह पे कहाँ पहुँच गए, शादी पे पहुँच गए तुम इतनी जल्दी, करवाओ क्या तुम्हारा ब्याह? ओ गुरुजी क्या बात करी है, करवा दो गुरुजी ब्याह सच में इज्जत है। अरे भाई क्या बात करी है, सच में बूझ लो भाई से गाड़ी वाड़ी कुछ ना चाहिए, बस बहुत दिला दो। बिल्कुल मतलब क्या बोल रहे हो तुम, मतलब गुरुजी कोई होगी साली वाली तो? साली को मत बोल देना कुछ भी, ठीक है ना, बुरा लगता है हमको, साली को नहीं बोलेगा कुछ भी, ठीक है ना, अभी मारेंगे कुर्सी दबा के। इसका कहने का मतलब है कोई रिश्तेदार इस तरह है। हाँ गुरुजी पर लड़की होनी चाहिए ना, तमीज में नहीं है क्या तुम्हें? अच्छा आशीष ये बताओ हमने 2 रैप्टे मारे और 3 तुमने मारे तो कितने बचे हैं? गुरुजी का बात ही मतलब ले, मार के दिखाई ले, मार के दिखाता हूँ एक बार भी, कोई गलती होगी तो एक बार पिटेंगे, 2 बार पिटेंगे, 3 बार पिटेंगे, पर गलती बिना कैसे पीट लेंगे गुरुजी, घर पिटने के बतेरे हम, तुम यहाँ और मारो गुरुजी तो एक मतलब ये थोड़ी तुम पीटोगे। अरे नहीं आशीष हम मान के चलो, सुन तो लो पहले मेरी बात को। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हमने तुम्हें 2 रैप्टे मारे और फिर 3 तुमने मारे तो कितने बचे? 1 बचो। कैसे? ठीक है तुमने कही 2 या मारे तुमने, ठीक है या ना तुमने 3 मारे तो 1 ही तो बचा गुरुजी। हाँ तुम उल्टा ले लो अपनो, चुप रहो ठीक है ना, इसलिए तो तुम्हारे साथ कोई नहीं पढ़ता, तुम बोलते ही इतने हो, ये क्या है तरीका बोलने का तुम्हारा? गुरुजी मेरा ना एक सवाल है, मैं ये कह रहा कि आप हमें उस बैच में क्यों ना बुलाओ जिसमें लड़कियां है। लड़की मतलब लड़के भी हैं सब, उसे बुलाया करो ना मैं। हाँ सही कह रहा हूँ गुरुजी, बात एक नंबर कही है। अच्छा नहीं कोई नहीं है, इतने बच्चे काफी है, जैसी तुम्हारी अब हरकत है ना इसलिए मना कर रखा है, अब नहीं देख रहे तुम कितना डिस्टर्ब करते हो। ए गुरुजी हम कहा डिस्टर्ब करेंगे खौम खौम की, बल्कि हम तो डिस्टर्ब हुए हैं, पर थोड़ा सा हुए ना थार थोड़ा बालक कम है तो हमारा थोड़ा सा मन लग जा ना भाई, यही मर कह रहा तुम। अच्छछा तो हमारा एक सवाल है कि ABCD में कितना अक्षर होता है ये बताओ। गुरुजी मैं बताऊंगा। ना ना गुरुजी मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं लड़ो मत नहीं आपस में। हाँ आशीष तुम बताओ। तो गुरुजी एक मिनट टॉयलेट कर दो फिर बता रहा हूँ पक्को। जाओ जल्दी जाओ जल्दी। ओके तो गूगल ये बताओ ABCD में कितने अक्षर होते हैं? कि ABCD में कुल अल्फाबेट्स की संख्या 26 होती है। ठीक है गूगल, ठूगल, थैंक यू गूगल, थैंक यू। टाइम लगाया मैंने है? समय नॉम को शब्द भी लगाया मैंने। हाँ बताओ क्या हुआ, क्या बोला आपने ABCD में कितने अक्षर हुए? ये तो भाई मेरे लिए छोटा सवाल है। हाँ छोटा सवाल है बोलो। तो गुरुजी ABCD में होते 26 अक्षर भाई, मतलब यार मैं हंसने का बात है? तू इस पे थोड़ी हंस रहा हूँ, खुद पे हंस रहा हूँ, मतलब यू कहा बात हुई, खुद बस रहा हूँ, खुद बस रहा हूँ, वो भी एक दिन कह रहे हो अभी कही वाले, अब खुद बस रहा हूँ, खुद बस रहा हूँ, झूठ बोलो यार तुम, आपस दारी में मतलब आपस में मजाक उड़ा रहे हो, गुरु शिक्षा ने बेइज्जती कर रहा हूँ। कोई ना भाई यार तेरा मेरा प्यार टूटेगा एक दिन। 26 होते हैं ए? इधर आओ। हाँ लो आ जाऊंगा गुरु जी, बताओ क्या गलती करी है मैंने भाई? गुरु जी कहा बात हुई, मतलब हम कौन की मार रहे हो? क्या बोला था हमने गुरु जी? तुम ऐसी बात ना कैसे करेगा, गूगल झूठ बोल देगा। मतलब मेरा यू है कि तुम गूगल पर सर्च कर लो ABCD में 26 अक्षर हुए। ABCD ABCD हाँ तो ए गुरुजी तो पहले बताते ना ऐसे आ रहे हो। और कैसे आ रहे थे हम? हमने ध्यान से नहीं बोला था क्या तुमको कि कितना अक्षर? ABCD 4 बोला ना, तो 4 ही हुए ना, तुम कहाँ 26 पे पहुँच गए? अब मार रहे हो ठंड में, बताओ ठंड लगे गुरुजी समझे करो, चोट लग जा तो बहुत तगड़ा लगे एकदम। अच्छा इतना तेज मारा क्या हमने जो तुमको इतना लग गया? ठंड हो रही है, ठंड हो रही है, हमको नहीं पता क्या, हम यहाँ जैकेट में बैठे हैं। बालक है प्यार से समझाओ, तुमको भी लेना है क्या कुछ? भाई हम ना पढ़ेंगे यहाँ पे, इनने आज तुम्हें मारा कल को मुझे भी मारेंगे, पढ़ेंगे ना यहाँ पे। अरे इसमें बुरा मानने क्या बात है, चलो
सही कह रहा भाई। और हाँ भाई, यहाँ में तो कभी मारेंगे भी ना, यहाँ में काहे को मारेंगे, 400 रुपए दे रहे हैं ये। हर कुछ पैसा ही ना हो तो ठीक है ना। कहा जा रहे हो तुम? ऐसे थोड़ी हो रहे, हम इंसान ना है, जानवर थोड़ी है। कहा जा रहे हो? फीस तो दे जाओ हमारी। फीस? भाई तुम बता, फीस होगा कहाँ तुम बताओ? कैसी फीस सर जी? अच्छा कैसी फीस? अरे मैया देख कैसे कर रही। अरे गुरुजी तुम भी बताओ, एक फीस के मारे। फीस की टेंशन नहीं है हमको, फीस तो आ जाएगा, हमको तुम पे विश्वास है। मतलब बताओ, पेड़ में चढ़ा रहे हो? मैं चढ़ा लो, कोई दिक्कत ना हो, हमारे कहाँ जा रहा हो, पर हम चढ़ने के ही ना है। नहीं, इसमें हम तुमको बथुआ के पेड़ में नहीं चढ़ा रहे है, जो है हम सच बोल रहे है। तुम फीस तो दे दोगे हमको, हमको तुम पे भरोसा है। अरे बेटा ऐसे देखना, कैसे चिढ़ा रहा है अपने गुरु जी को, ऐसे कोई स्टूडेंट होता है क्या? इतने मन से पढ़ाया है तुमको। फीस ले लो, फीस देना है मत दो, कोई नहीं, पर ऐसे चिढ़ाने का नहीं है मुझे। मारोगे ना फीस दे लो।